न तोड़ती हड्डी रीढ़ की मेरी, मैं चलकर थाने न पहुंचती, न काटते जेब मेरी तुम्हारे खिलाफ कुछ न मैं बोलती, हंसते के खिलाफ जिंदगी मेरी मौत से तुमने तो ओन दी, अभी तो मैंने ठीक से हंसना भी नहीं सीखा, और तुम चारों ने मुझको इतनी घिनौनी मौत दी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं इंटेंशन यही है कि मनीषा को इंसाफ मिले और उन रैपिस्ट को फांसी पे चढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं इसी के लिए आप ये भी वीडियो देख रहे हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मुन्ना है और आप RDI देख रहे हैं, रियलिटी देखो इंडिया। जब एक दिन पहले सुबह में मेरा नींद खुला ना, और सुबह में जब नोटिफिकेशन आ रहा है कि एक लड़की का गैंगरेप हुआ और वो भी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में, और उस रेप में उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया है, उसके उसके जीभ को काटा गया है। क्षमा चाहता हूं ऐसा बोलने के लिए, लेकिन बोलना पड़ेगा। कब तक मुंह चुप्पा जैसा बैठे रहेंगे सर, कब तक बैठे रहेंगे हम चाहे आप, कब तक बैठे रहेंगे? ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो जस्टिस चाहते हैं, उस लड़की को जस्टिस मिले और उस लड़की को इंसाफ मिले, इसी के लिए वीडियो और इसी के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जब निर्भया हत्याकांड होता है ना कुछ साल पहले, तो जानते हैं सर उसका फैसला कब आता है और उन सारे रेपिस्ट को कब फांसी दिया जाता है? 6 से 7 साल बाद, 8 साल बाद। 8 साल तक क्या हो रहा था सर? अपना राजनीति। हमको बोलने में डर नहीं लगता है, समझे? कैसे कि अंदर आग खोल रहा है। ये जो रोज रोज सुनाई दे रहा है ना कि कहीं की रेप हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, अरे यार लग रहा है कि खिलौना बन गया है क्या यार? मतलब लड़की सबका कोई वैल्यू ही नहीं है, औरत का कोई वैल्यू ही नहीं है, उस तरह मतलब बन गया है। जब चाहो किसी का गैंगरेप कर दो, जब चाहो कभी किसी का कुछ कर दो, जब चाहे मन तब कुछ कर दो। बिहार में रहता हूं और बिहार के एक छोटे से जिले में रहता हूं, जब उस जिले में कई ऐसे बच्चियों पर रेप हो गया ना, बोलने में बहुत शर्म आता है मुझे ये वर्ड। और वहां की सरकारें उस चीज को दबा दी और कहीं टीवी पे उस न्यूज को नहीं दिखाया गया, कहीं टीवी पे उस न्यूज को नहीं दिखाया गया ना, तो और अंदर से जो आग था ना वो और बाहर निकालने का मन कर रहा है। जानते हैं जब मनीषा का डेट हो जाता है ना, तो उसकी उसके परिवार को बॉडी सौंपा नहीं जाता है। क्या है सर? उसके बॉडी को 12 बजे रात को जला दिया जाता है। क्या है सर? और 15 दिन तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उतना बात उसका नहीं चलता है, ना ही टीवी पर चलता है। क्या है सर? कैसे कि उसको छुपाया गया था। और अगर ऐसे ही छुपाते रहे ना, ऐसे ही छुपाते रहे तो इंडिया में रेप की केसेस और बढ़ती रहेगी। ये वीडियो जो सारे लोग देख रहे हैं ना, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग आवाज उठाएं, क्योंकि आज ये किसी और के घर पे है तो कल किसी और के घर पे होगा, कल किसी और के घर पे होगा, कल किसी और के घर पे होगा, कहां पता कल आपके घर पे हो। बुरा लगा ना सुन के? ऐसे ही बुरा लगता है, ऐसे ही बुरा लगता है उन माँ बाप को जिनके बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है, और उन सारे रेपिस्ट को ना, उन सारे रेपिस्ट को जानते हैं क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगर आपके सामने वो मिले ना तो आप क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाला इंसान आज इस तरह बोल रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई अभी तक बोला नहीं है। सोशल मीडिया पे जब मैं वीडियो सर्च कर रहा था ना, तो कोई इस तरह का वीडियो और आवाज नहीं उठा रहा था, इसलिए मुझे बनाना पड़ा वीडियो। कब तक चुप रहेंगे सर, कब तक घर में बैठे रहेंगे? अरे निकलना पड़ेगा, ये कैंडल लेकर बाहर निकल जाने से जस्टिस नहीं मिलता है यार, आवाज उठानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है उसके लिए। जब चाइना में रेप होता है ना, तो वहां पे जानते हैं, एक मैं कहानी सुन रहा था, थोड़ा सुन लीजिएगा, 2 मिनट टाइम निकालकर मेरी कहानी को सुन लीजिएगा। वहां पे किसी बच्ची का रेप हो जाता है और मात्र वहां पे 30 मिनट बाद, अगर वहां की जो भी नेतागढ़ है लोग जब पहुंचते हैं ना, तो वहां पे उनके साथ पुलिस रहती है और उनसे बच्चियों से पूछा जाता है कि आपका क्या हुआ है, तो वो बोलती है कि रेप हुआ है। तो उन पुलिस को वो नेतागढ़ क्या करते हैं कि 1.5 किलोमीटर दूर भेज देते हैं, मतलब 500 मीटर दूर भेज देते हैं, और बोलते हैं
कि अब चिल्लाओ जिस तरह उस वक्त चिल्लाई थी। तो चिल्लाई ना तो सरकार उन सारे लोगों को आवाज सुनाई देता था और उन पुलिस को फिर बुलाकर वो नेतागढ़ जब पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को उसकी आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने एक ही डायरेक्शन और एक ही सेकेंड में जवाब दिया कि जहां पे रेप हुआ वहां के हाफ एन किलोमीटर में जितने लोग हैं सबको पकड़ो और उसमें से पता करो कि कौन रेपिस्ट है। अगर वहां के लोग कोई देखे हैं या कुछ भी और ऐसे करके उस रेपिस्ट का पता चलता है और सेकेंड नहीं लगता है उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाता है। और भी बहुत सारी कंट्री है, वहां की रेस्ट्रिक्शन, वहां की सिचुएशन जो भी है और वहां की जो कानून है, लॉ है, अलग है। लेकिन ये हमारा इंडिया है, ये हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी होने पे मुझे गर्व है। लेकिन जानते हैं ये जब सुन रहे हैं ना हम डेली रेप का कहानियां, तो मेरा मूड जो है ना ये गर्म हो जा रहा है एकदम। सारे लोग, इंडिया के सारे लोगों का मूड गर्म हो जा रहा है। लेकिन क्या करें, एक रेप होता है तो उसका जो सजा है ना उसको 10 साल में, 15 साल में, 8 साल में दिया जाता है। क्या होगा, 2 दिन चलता है न्यूज पे, 2 दिन टीवी पे चलता है, उसके बाद उसको दबा दिया जाता है। आपको लगता है कि ऐसे न्याय मिल जाएगा? अरे ऑन द स्पॉट गोली मारो यार उन लोगों को, ऑन द स्पॉट उन लोगों की जान लो जिस तरह किसी बच्ची के साथ वैसा करके और हरकत करके और उसको मारा जा रहा है ना। अरे वो हैवान है, उनको जेल में रखकर चक्की की रोटी और मच्छर क्यों कटवा रहे हो यार? उनको भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारो ना, तब देखना ना, तब देखना जस्टिस मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं आप ताकि न्याय मिले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि न्याय मिले। फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक एक आवाज गूंजे और आने वाले समय में लोग इसके आगे एक अपना स्टैंड पॉइंट लें, अपने आप को खड़ा करें और एकदम जज्बे के साथ। और मेरी बहन सब सुनो, अगर ये वीडियो की कोई लड़की देख रही है तो सुनो, उन सारे लड़कियों से गुजारिश है कि जो भी ये वीडियो देख रही ना यार, तुम लोग स्टैंड लो, तुम लोग आगे बढ़ो और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ ना, इतना स्ट्रांग बनाओ ना, इतना स्ट्रांग बनाओ कि सामने अगर 10 भी लोग आकर खड़े हो जाए ना, 10 भी मर्द आकर खड़े हो जाए ना, तो उनसे लड़ने की सामना करो, लड़ने की साहस रखो, देखना फिर तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। अरे अकेले रहती हो, अकेले रास्ते में जा रही हो तो क्यों डर रही हो? ये डरने का सिचुएशन क्रिएट हो गया ना, लेकिन अपने आप को आज से बनाओ, अपने आप को शपथ लो और बनाओ ऐसा कि तुम अकेले जाओगी फिर भी तुम्हें डर नहीं लगेगा और तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जब तुम स्ट्रांग हो जाओगी, तुम एक अंदर से बलवान हो जाओगी, कभी तुमको कोई नहीं छू सकता है। लड़ो यार, अंतिम सांस तक लड़ो, हम सब एक हैं। लेकिन इसी बीच में कई हैवान है ना, उन सबको सजा दिलवाना है, हम सबको स्टैंड पॉइंट लेना पड़ेगा, हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सारे लोग एक साथ होना पड़ेगा, तब ये चीज जाकर खत्म होगा। आइए शपथ लेते हैं और मिलकर इसके पीछे आवाज उठाते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वीडियो में बोला गया शब्द अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा बोलने का मकसद ये नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में हूं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत दुख लगा है सुनकर वो चीज, बहुत दुख लगा है, क्योंकि किसी के माँ बाप के दिल पे क्या बीतता है ना सर, जिसके साथ होता है वही समझता है। इसलिए ये कल का आप पे ना पड़े, खड़ा हो जाइए और स्टैंड ले लीजिए, फिर देखिएगा आगे सब चीज अच्छा होगा। फैला दीजिए वीडियो को, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज बाय बाय नहीं बोलेंगे, चल रहे हैं।